हेलो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक एडम ब्लैक एडम फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे साथ ही में फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेज के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करूँगा इसके अलावा इस फिल्म का जो किरदार है उसके फ्यूचर में क्या क्या चांसेस है उसके ऊपर बातचीत करेंगे इसी के साथ फिल्म के एक म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहेगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्लैक एडम जो 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफी सारी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया है ये एक डीसी की कॉमिक है उसका एक किरदार है ब्लैक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कोलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम रोरी हेनिस सोहराब नोजरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया डवेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीब एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डी सी फिल्म सेवन बग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर प्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे डवेन जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ यानि कि तेज एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल होज देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानि कि हॉकमैन का नो सेंट्री आपको देखने को मिलेगी एटम्स स्मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन केन्जारी क्विंटेसा स्वेंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साहबोग पेसरब ब्रोसनन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की कौ... जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट थे वो करीबन 2020-19 के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2020 में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वे के ऊपर भी फिल्म का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टॉवर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग, अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें साथ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे और बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहां पर इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे प्ले केडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी चीज़ किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज़ डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पर विजअल्स इफेक्ट थे वी इफेक्ट उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफी बढ़िया थे विजुअल्स काफी अच्छे थे म्यूज, म्यूजिक का यूज काफी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफी मजबूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर यह फिल्म एवरेज हिट का टेक लेकर करीबन ढाई मिलियन यूएस डॉलर के, के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को भी थिंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्ले उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कोलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटका रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डी सी फिल्म सेवन बग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वॉर्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे ड्वें जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डी देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन टेसा स्वेंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साबोग पेसर बोशनन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीजें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो हज़ार इक्कीस में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वीएफएक्स के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टॉवर म्यूजिक जहाँ पे लोअर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग, अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट था ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हज़ार वोट आटी हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से प्ले केडम का, का इंस्टॉल्म, किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहां को डीसी फिल्म वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग सोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज़ डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल हुआ था ख़ास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वी एफ वी एफेक्स उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसेस खास करके डवें जोन की जो परफॉर्मेंसेस थे उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और का जो प्लॉट था उसको काफी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी काफ़ी बढ़िया थी में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है काफ़ी काफ़ी बढ़िया थे काफ़ी अच्छे थे विजुअल्स म्यूज, अच्छे म्यूजिक का यूज काफी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफी मजबूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर करते थे तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्या वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पे ये फिल्म एवरेज हिट का टेक लेगा करीबन ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को भी थिंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डीसी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्ले उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कोलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकल रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है पीओ फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डी सी फिल्म सेवन बग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के लेड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे ड्वें जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डी देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन केन्जारी विंटेसा स्वेंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी पेसर पेसरोशनन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी कॉमिक्स कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को त्रीथ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 हज़ार इक्कीस में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वीएफएक्स के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को उस सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टॉवर म्यूजिक जहाँ पे लोअर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग, अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वॉर्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट था ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हज़ार वोट आटे हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहां का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है पे प्ले केडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहां पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उस उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी सी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल हुआ था ख़ास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वी एफ वी एफेक्स उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और का जो प्लॉट था उसको काफी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है काफ़ी काफ़ी बढ़िया थे काफ़ी अच्छे थे विजुअल्स म्यूज, अच्छे म्यूजिक का यूज काफी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट क्ये, किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफी मजबूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर करते थे तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉस था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में वट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पे ये फिल्म एवरेज हिट का टेक लेगा करीबन ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जनस में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ थिंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्ले उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कोलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटका रोरी हन सोहराबा नोजरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया डेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है, वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म्स सेवन बर्ग प्रोडक्शन और फ्लिन पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस हॉज देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन केन्जारी विंटेसा स्विंटरेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी पेसर पेसरोशनन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की कौ... जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है, वो करीबन 2020-19 के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वेफ के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टॉवर म्यूजिक जहाँ पे लोअर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ब्लेक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे प्ले कैडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फ़िल्म का जो रिलीज़ डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वी एफ वी एफक्ट्स उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ़ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफी बढ़िया थे विजुअल्स काफी अच्छे थे म्यूज, म्यूजिक का यूज काफी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था तो सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मजबूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक लेकर करीबन ढाई मिलियन यूएस डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन्स में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ थिंगली सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्ले उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कोलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सल रोरी हन सोहराबा नोजरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डी सी फिल्म सेवन बर्ग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे ड्वेन जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल्डिस डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन केन्जारी विंटेसा स्वरेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी पेसर ब्रोसन जैसे कहीं दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुई माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो बीस उन्नीस के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वीएफएक्स के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रैक है उसको उसका लेबल है वाटर टोवर म्यूजिक जहाँ पे लोअर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लेक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहा पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहां पर इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहां पे प्ले कैडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फ़िल्म का जो रिलीज़ डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था जहाँ पर विजअल्स इफेक्ट थे वी एफेक्स उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ़ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जोन की जो परफॉर्मेंसेज थे उसके काफ़ी तारीफ़ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूज, म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से किए क्रिएट किया गया था सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक लेकर करीबन ढाई मिलियन यूएस डॉलर के, के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन्स में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे थिएटर ओ टी टी के ऊपर ब्लैक एडम जो दो हजार बाईस की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डीसी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्लेक उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सल रोरी हन सोहराबा नोजरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है, वो है न्यू लाइन सिनेमा डी सी फिल्म सेवन बर्ग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वॉनर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे ड्वें जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डी देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन केन्जारी विंटेसा स्वेंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी पेसर ब्रोसन जैसे कहीं दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुई माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डीसी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की कौ, जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो बीस उन्नीस के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वेफ के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को उस सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रिक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टोवर म्यूजिक जहाँ पे लोअर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ब्लेक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग, अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें साथ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहा पे प्ले केडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी चीज़ किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि वहाँ से ये फिल्म की कहानी The cat sat on the और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वीफेक्ट उस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जोन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसके काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफार्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफेक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो ये तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक ले करीबन करीब ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन्स में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्लेक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकल रोरी हस सोहराबा नोजरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन एक से दो मिलियन यू डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है, वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म्स सेवन बर्ग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वॉनर प्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के लेड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे डवें जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानि कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डी देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम स्मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन केन्जारी विंटेसा स्वेंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साहबोग पेसर ब्रोसन जैसे कहीं दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए, हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की कौ, जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो बीस उन्नीस के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी 2021 में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वे के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को उस सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म में काफी सारे कट्स कट्सए गए थे जहां पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहां पे पीजी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पीजी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रैक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रैक है उसको उसका लेबल है वाटर टॉवर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कैनेडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वॉर्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट था ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पर इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे ब्लैक एडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफी सारे अलग अलग सोर्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी सी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वे इफेक्ट्स उस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके ड्वेन जोन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफार्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक ले गया करीब ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ और टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन्स में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ और टी और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्लेक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकल रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है पीओ फ्लैन हिरामा हार्सिया डेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म सेवन बर्ग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के लेड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे डबेन जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन केन्जारी विंटेसा स्विंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी पेसर ब्रोसन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुई माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यू में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की को, जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को त्रीथ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो दो हज़ार में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सितंबर 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहां पे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वे के ऊपर भी फिल्म का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म में काफी सारे कट्स कट्सए गए थे जहां पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहां पे पीजी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पीजी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टॉवर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कैनेडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पांचवी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पर इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे ब्लैक एडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफी सारे अलग अलग शोर्स आपको देखने को मिलेंगे वहां से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स हासिल हुआ था ख़ास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वे इफेक्ट्स उस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसेज थे उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉस में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक ले गया करीब ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डीसी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्लेक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कोलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटका रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है पीओ फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन एक से दो मिलियन यू डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है, वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म सेवन बर्ग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वॉर्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे डबें जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम स्मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन केन्जारी विंटेसा स्विड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साहबोग पेसर ब्रोसन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यू में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डीसी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को त्रीथ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो दो हजार में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया था जहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वे के ऊपर फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था पे पे इस इस फिल्म फिल्म में काफ़ी सारे कट्स गए थे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहां पे पीजी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पीजी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टॉवर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वॉर्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हज़ार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे प्ले केडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहां पे इन सभी किरदारों को डी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉस हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स के इफेक्ट थे वेफेक्स वी वी उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके ड्वेन जोन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसके काफ़ी तारीफ़ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफेक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया किसी सभी चीज़ों को सोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो ये तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक ले गया करीब ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जनस में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो बीस उन्नीस के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 हजार में जून दो को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सितंबर 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहां पे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वेफ के ऊपर भी फिल्म का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रिक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रिक है उसको उसका लेबल है वाटर टोअर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कैनेडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग, अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन नब्बे हज़ार वोट आ हासिल किए हुए जिसमें सात एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से ये एक डीसी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्ले उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जोमे मे कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकाइल रोरी हेनिस सोहराब नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बीओ फ्लैन हिरामा हारसिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म्स फिल्म सेवन बक प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे ड्वेन जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेज एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम स्मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन केन्जारिक क्विंटेसा स्वेंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साहबोग पेसर ब्रोसन जैसे कहीं दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यू में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की को, जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को त्रीथ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी 2021 में जून दो को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सितंबर 2022 तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहां पे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वेफ के ऊपर भी फिल्म का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रिक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रिक है उसको उसका लेबल है वाटर टोअर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट था ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हज़ार वोट आटे हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे प्ले केडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफी सारे अलग अलग सोर्स आपको देखने को मिलेंगे वहां से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वी इफेक्ट उस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जोन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसके काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टारकास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक लेगा करीबन करीब ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन्स में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को भी थिंगली सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे थिएटर ओ टी टी के ऊपर ब्लैक एडम जो दो हजार बाईस की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्लेक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकल रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ इस फिल्म का बजट करीबन एक से दो मिलियन यू डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म्स फिल्म सेवन बाग प्रोडक्शन और फ्लिन पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे ड्वेन जोन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानि कि तेज एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानि कि हॉकमैन का नो सेंट्री आपको देखने को मिलेगी एटम स्मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन केन्जारिक क्विंटेसा स्विंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साहबोग पेसर बोशनन जैसे कहीं दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए, हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यू में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की को, जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो दस अप्रैल दो को त्रीथ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 हज़ार में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वेफ के ऊपर भी फिल्म का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को उस सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रिक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रिक है उसको उसका लेबल है वाटर टोअर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कैनेडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म में काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है पे का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में, में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फ़िल्म का जो रिलीज़ डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था जहाँ पर विजुअल इफेक्ट थे वी एफेक्स उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसके काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूज, म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से किए क्रिएट किया गया था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट काटे लेकर करीबन ढाई मिलियन यूएस डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डीसी की कॉमिक है उसका एक किरदार है ब्लैक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कोलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटका रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है पीओ फ्लैन हिरामा हार्सिया डवेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन एक से 200 मिलियन यूएस डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है, वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म सेवन बर्ग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वॉर्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम स्मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन केन्जारी विंटेसा स्विंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साहबोग पेसर ब्रोसन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुए लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो बीस उन्नीस के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो हज़ार में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वीएफएक्स के ऊपर भी फिल्म का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को उस सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रिक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रिक है उसको उसका लेबल है वाटर टोअर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कैनेडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म में काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पांचवी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पेंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पर इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है पे का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉस हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वीफेक्स उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसके काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काफी देखने को मिलता है वेफिक्स काफी बढ़िया थे विजुअल्स काफी अच्छे थे म्यूज, म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफी मजबूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेस्ट लेकर करीबन ढाई मिलियन यूएस डॉलर के, के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डीसी की कॉमिक है उसका एक किरदार है ब्लैक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकल रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है पीओ फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन एक से दो मिलियन यू डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है, वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म सेवन बर्थ प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वॉर्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे डवें जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल्डिस डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन केन्जारी विंटेसा स्विंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी पेसर ब्रोसन जैसे कहीं दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए, हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यू में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की कॉम जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को त्रीथ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे ड्वेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 हज़ार में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वीएफएक्स के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को उस सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रिक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रिक है उसको उसका लेबल है वाटर टोअर म्यूजिक जहाँ पे लोअन बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कैनेडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म में काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पांचवी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हज़ार वोट हासिल किए हुए जिसमें सात पॉइंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे ब्लैक एडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीजें काफी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहां पे इसके काफी सारे अलग अलग सोर्स आपको देखने को मिलेंगे वहां से ये फिल्म की कहानी और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज़ डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉस हासिल हुआ था ख़ास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वे इफेक्ट्स उस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसके काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक ले गए करीबन ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है ब्लैक एडम उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकल रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हर्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन एक से दो मिलियन यू डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म सेवन बग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे ड्वें जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम स्मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन केन्जारी विंटेसा स्विंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साहबोग पेसर ब्रोसन जैसे कहीं दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार हैं जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुए, हुए माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यू में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी कॉमिक से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे डेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो 2021 हजार में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे भी काफी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वीएफएक्स के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे कट्स डिलवाए गए थे जहाँ पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफ़ी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टोवर म्यूजिक जहाँ पे लोअर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटे और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वॉर्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें साथ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे प्ले केडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि वहाँ से ये फिल्म की कहानी We'll be right <laughs> back. और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वे इफेक्ट्स उस की काफ़ी तारीफ़ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जॉन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसके काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे म्यूजिक का यूज़ काफ़ी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक ले गए करीब ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ के ऊपर ब्लैक एडम जो 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया है ये एक डी की कॉमिक है उसका एक किरदार है प्ले एडम, उसके ऊपर फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जो में कॉलेट सेर्रा ने और लिखा हुआ है एडम सिटकल रोरी हन सोहराबा नोजिरवानी और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि डीसी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है प्रोड्यूस किया हुआ है बी फ्लैन हिरामा हार्सिया वेन जॉनसन और डेनी गार्सिया इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म का बजट करीबन एक से दो मिलियन यू डॉलर जितना है इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है न्यू लाइन सिनेमा डीसी फिल्म्स सेवन बग प्रोडक्शन और फिल्म पिक्चर्स कंपनीज फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे डवेन जॉन जिन्होंने ब्लैक एडम का किरदार प्ले किया हुआ है यानी कि तेथ एडम ब्लैक एडम दोनों किरदार इसके अलावा एल डिस देखने को मिलेगी जिन्होंने कार्टर हॉल का रोल प्ले किया हुआ यानी कि हॉकमैन का नो सेंट्रिय आपको देखने को मिलेगी एटम्स मेसर के रोल में सहारा ने साहसी भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी मारवन वन विंटेसा स्विंड्रेला इसके अलावा मोहम्मद आमिर बोधी साबोगई पेसर ब्रोसन जैसे कई दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई लॉरेंस शेर ने एडिटिंग की हुई माइक सेल और जॉन ली ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे और चार मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में बनाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म को पहले यूएस में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी बाद में डब करके दूसरे लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज़ किया गया था इस फिल्म की जो कहानी है वो डी सी से ली हुई है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के साथ काफ़ी अलग अलग किरदार को जोड़ा हुआ है इसके ऊपर एक फ्यूचर कहानी भी सेट की हुई है जो फिल्म की जो कॉमिक बुक है उसके हिसाब से इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे फिल्म का डेवलपमेंट है वो करीबन दो बीस उन्नीस के आसपास किया गया था और फाइनली बाद में इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो मिड अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोविड 19 की वजह से वो डिले हो गया था उसके बाद में कोविड के बाद जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हुई फिर से इस फिल्म की जो प्री प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत की गई उसके ऊपर काम किया गया बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो दस अप्रैल दो को तीर्थ स्टूडियो एटलांटा जॉर्जिया में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जो जुलाई 2020 में कोविड 19 की वजह से चीज़ें डिले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्पीड में वर्क किया गया था जहाँ पे डेन जॉनसन के साथ जून 2020 सॉरी दो दो हजार में जून दो बीस को स्टार्ट की गई थी तीन वीक की कुछ शूटिंग थी उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से सेप्टेम्बर दो तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया था जहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगाया गया था वी एफ एक्स के ऊपर भी फिल्म का काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है और उसके बाद में फिल्म को उस सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर भी करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म में काफी सारे कट्स गए थे जहां पे आर रेटिंग मिली हुई थी इस फिल्म को और काफी सारे कट्स भी दिए हुए थे जहाँ पे पी जी थर्टीन वाली रेटिंग फिल्म को रिसीव हुई थी लोअर पी जी थर्टीन रेटिंग मिली हुई थी साउंड ट्रेक के ऊपर अब बातचीत करें तो बेकेडम का जो साउंड ट्रेक है उसको उसका लेबल है वाटर टोवर म्यूजिक जहाँ पे लॉर्न बाल्फे ने उसको कंपोज किया हुआ है और फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको 21 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए थे करीबन तिरतालीस के आसपास बैकग्राउंड स्कोर थे जिसकी लेंथ एक घंटा और उन पचास मिनट तो वो फ़िलहाल में आपको सुनने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली अब हम बातचीत करें फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को मेक्सिको सिटी में तीन अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया था तो इसी तरह से फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक के बाद एक रिलीज़ किया गया था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ब्लैक एडम ने 115.5 मिलियन यूएस डॉलर यूएस और कनाडा से रिकवर किए हुए थे करीबन एक नवंबर 2022 तक उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से भी फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था और इस फिल्म ने इंडिया में एक अच्छी खासी ओपनिंग की हुई थी वार्नर ब्रोस के द्वारा ये पाँचवीं बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म में से एक फिल्म साबित हुई थी इंडिया में जहाँ पे इस फिल्म ने सभी जगह पे एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन नब्बे हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें साथ पॉइंट एक ही रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तो इस तरह से इस फिल्म ने एक डिसेंट कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग ले गई जहाँ पे इस फिल्म का फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी सेट किया हुआ है जहाँ पे प्ले केडम का किरदार भी आपको सुपरमैन और बैटमैन के साथ फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आने वाला है जहाँ पे इन सभी किरदारों को डीसी फिल्म्स वाले एक साथ इकट्ठा करने वाले तो अब वो किस तरह से कैसे करेंगे जिस तरह से मार्वल में किया हुआ था मार्वल यूनिवर्स ठीक उसी तरह से डीसी का एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो उसमें ये सभी किरदारों को लाया जाएगा तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक एडम का जो किरदार है उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाने वाला है तो ब्लैक एडम फिल्म का जो कहानी है उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है जहाँ पे इसके काफ़ी सारे अलग अलग शोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि वहाँ से ये फ़िल्म की कहानी you <laughs> और आगे फ्यूचर में मोड ले सकती है वैसे तो डीसी कॉमिक के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है जहाँ पे इस फिल्म में जो एक आखिर में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वैसे फिल्म का जो रिलीज डेट था तब फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स हासिल हुआ था खास करके क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था जहाँ पे विजुअल्स इफेक्ट थे वे इफेक्ट्स उसके की काफ़ी तारीफ की गई थी एक्शन सीक्वेंस को काफ़ी तारीफ किया गया था परफॉर्मेंसिस खास करके डवें जोन की जो परफॉर्मेंसिस थे उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का जो प्लॉट था उसको काफ़ी क्रिटिसिजम से झेलना पड़ा था इसके अलावा फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसकी भी परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी डरेक्शन में एक डिसेंट काम देखने को मिलता है वेफिक्स काफ़ी बढ़िया थे विजुअल्स काफी अच्छे थे म्यूजिक का यूज काफी फिल्म में बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया था सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म फिल्म टेक्निकल मामले में काफ़ी मज़बूत थी सिर्फ फिल्म की कहानी जो स्क्रीन प्ले उसको अगर बेटर कर देते तो, तो फिल्म का जो एक मिक्स रिस्पॉन्स था वो प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सकता था लेकिन फिर भी फिल्म ने जो बजट डाला हुआ था करीबन दो मिलियन यू डॉलर के आसपास उससे थोड़ा कलेक्ट कर दिया बेहतर वे में जहाँ पर ये फिल्म एवरेज हिट का टेक ले करीबन करीब ढाई मिलियन यू डॉलर के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया हुआ है अब ये फिल्म थिएटर में जब एक बार हटेगी उसके बाद में फिल्म को ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी भारी रकम में बेचा हुआ है सभी वर्जन्स में तो ब्लैक एडम फिल्म आपको ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से ब्लैक एडम फिल्म को ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे थिएटर ओ टी टी के ऊपर तो बस गए इस ब्लैक एडम फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी मैंने शेयर कर दिया

सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू